हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सरकारी योजनाएं हैं, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं कई वर्षों से और जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं योजनाओं की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। उसमें हम देखेंगे जिस योजनाओं के लिए जरूरी है कि इस योजनाओं का उद्देश्य क्या है, उसको भी देखेंगे और किस वर्ष से शुरू किया गया था, यानी कौन सा वो समय काल था, वो सन था जब से इन योजनाओं को शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और जो है एग्जाम के दृष्टि से ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपके लिए बहुत सहयोगी सिद्ध होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर आप प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर टेस्ट सीरीज से संबंधित भी वीडियोस ला रहे हैं, यानी यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसके टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चल रहे हैं। तो अगर आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं पहली योजना की, कल्याणकारी जो योजनाएं या परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। पहला है समाजवादी पेंशन योजना। इस योजना को अप्रैल 2014 से प्रारंभ किया गया था। इसे रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की जगह पर इसको लाया गया था। समाजवादी जो पेंशन योजना था, इसे रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की जगह पर लाया गया था। इसमें 500 रुपए दिए जाते हैं। अप्रैल 2014 से इसको प्रारंभ किया गया था। अगली योजना है मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष, यानी कि इसका जो उद्देश्य वो है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा पोषण में कमी करने हेतु इस योजना को लाया गया था, जिसका नाम है मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष। ये एक योजना, एक कार्यक्रम है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। 2015 से 16 के बीच में ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है, 2015-16 के बीच में। अब बात करते हैं अगले योजना की, 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा योजना। मतलब एक एम्बुलेंस चल रही थी जिसका नाम था 102, तो 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा योजना इसको चलाया गया था गर्भवती माताओं और शिशुओं के लिए। यानी जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो इसलिए कि वो उसके जो उसका जो शिशु है वो आसानी से हॉस्पिटल में जन्म ले पाए, तो इसलिए ये एम्बुलेंस सेवा चलाई जा रही थी। 17 जनवरी 2014 से इसे प्रारंभ किया गया था, 17 जनवरी 2014 से। अगला है समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, 108 नंबर की दो बसें चलाई जा रही थी, एम्बुलेंस चलाई जा रही थी, एक 102 और एक 108। तो 102 जो था वो गर्भवती माताओं और शिशुओं के लिए था, लेकिन जो 108 नंबर का था वो जो बीपीएल को त्वरित स्वास्थ्य सेवा है, यानी जिनके पास बीपीएल कार्ड होता था उनके लिए ये सेवा चलाई जा रही थी, ठीक है। इसे शुरू किया गया था 14 सितंबर 2012 से, 102 को 17 जनवरी 2014 से और 108 को 14 सितंबर 2012 से। उसके बाद अगला योजना है, अगली परियोजना है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन। इसका गठन किया गया था 2011 में, ठीक है, ग्रामीण में जो लोग हैं उनको आजीविका प्रदान करने के लिए इस मिशन का गठन किया गया था। अगली योजना है ई विलेज योजना, यानी इलेक्ट्रॉनिक विलेज योजना। इसका जो उद्देश्य था वो था गांव व शहर के बीच डिजिटल असमानता को कम करना। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, तो गांव और शहर के बीच में जो डिजिटल असमानता है उसको कम करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। 21 दिसंबर 2013 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। देखिए, योजना से संबंधित दो ही प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश की योजना है तो ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश का तो रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो पूछे जाते हैं योजना से संबंधित, या तो योजना के उद्देश्य पूछे जाते हैं या तो योजना का वर्ष पूछा जाता है। लेकिन जब नेशनल की बात आती है, राष्ट्रीय स्तर पर जब आप आईएएस वगैरह का एग्जाम देते हैं तो वहां पे मंत्रालय भी पूछ लेता है। चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो दो चीजें याद रखिए, योजना का उद्देश्य क्या है और योजना को प्रारंभ कब किया गया था या किसकी जगह पर लाया गया था। अगली योजना की बात करते हैं, आसरा योजना। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक बहुल स्लम और मुफ्त आवास, जो स्लम में रहते हैं अल्पसंख्यक उनके लिए और मुफ्त आवास उनको प्रदान करने के लिए 20 अप्रैल 2013 से इसको स्टार्ट किया गया था। चूंकि आसरा है, आसरा मतलब एक घर देना, एक सहारा देना, तो मुफ्त आवास इसमें प्रदान किया जाता था किसको, अल्पसंख्यक जो बहुल स्लम में रहते थे। 20 अप्रैल 2013 से इसको स्टार्ट किया गया था। फिर अगला है लोहिया ग्रामीण आवास योजना। ये जो लोहिया ग्रामीण आवास योजना है ये बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ये आवास प्रदान करने की योजना है। इसको प्रारंभ किया गया था 24 फरवरी 2013 से, ठीक है। अगला है आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना। इसमें बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज करने की ये योजना थी, आशीर्वाद बाल योजना। आशीर्वाद से मतलब उनके स्वास्थ्य से संबंधित और बाल मतलब जो बच्चे होते थे उनके स्वास्थ्य और परीक्षण और इलाज से संबंधित ये योजना है। इसका आरंभ जो किया गया था वो 31 जनवरी 2013 से किया गया था। अगली योजना है संभव स्वास्थ्य योजना। इसे स्लम निवासियों के लिए लाया गया था, स से संभव और स से स्लम,
तो संभव स्वास्थ्य योजना को स्लम निवासियों के लिए लाया गया था, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए। इसका जो शुरुआत किया गया था वो जून 2012 से किया गया था। अगला है डॉक्टर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, इसको 17 मई 2012 से प्रारंभ किया गया था। अगला है निवेश मित्र योजना, इसे 6 जुलाई 2009 से प्रारंभ किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो था उद्योग लगाने संबंधी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना। ठीक है, जो उद्योग लगाने संबंधी जो कागजात वगैरह होते हैं, जो डॉक्यूमेंट सारे होते हैं, उसको ऑनलाइन करने के लिए, पहले ऑफलाइन होता था, चीजों को जो है आपको हार्ड कॉपी में चीजों को लिखना पड़ता था, लेकिन अब सॉफ्ट कॉपी यानी कि इंटरनेट जैसा सुविधा उपलब्ध कराना उद्योग लगाने से संबंधित। तो निवेश मित्र योजना 6 जुलाई 2009 से। अगला है बालिका समृद्ध योजना, ये बालिका समृद्ध योजना बस बालिका और बस बीपीएल, तो बीपीएल बालिकाओं के, जिनके पास बीपीएल कार्ड होता था जिन परिवारों के पास, उनकी बालिकाओं के लिए ये योजना थी। इसको शुरू किया गया था अगस्त 1997 से, ठीक है, 1970 से स्टार्ट किया गया था। अगला है एकीकृत कम लागत की सफाई योजना, कम लागत सफाई यानी सफाई से संबंधित है, तो शहरों में शौचालय निर्माण से संबंधित ये योजना है, एकीकृत कम लागत की सफाई योजना, इसे 10 सितंबर 2008 से स्टार्ट किया गया था। फिर अगला है विधायक निधि योजना, 1,50,00,000 रुपए वार्षिक उनको उनके लिए एक निधि बनाई गई विधायकों के लिए, जिसमें 1,50,00,000 रुपए वार्षिक दी जाती थी। इसका प्रारंभ किया गया 1998 से। विधायकों के लिए ये निधि योजना थी, वो अपने क्षेत्रों में विकास कर पाए उन क्षेत्रों का, इसके लिए ये योजना लाई गई थी। तो ये योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है आदर्श नगर योजना, इसका जो उद्देश्य था वो था 1,00,000 से कम आबादी वाले नगरों को उन नगरों के निर्माण के लिए, नगरों में साफ सफाई सभी चीजों से संबंधित जो चीजें होती थी उनके विकास में, उनके डेवलपमेंट में। तो आदर्श नगर योजना, एक नगर को आदर्श के रूप में विकसित करना, ये उद्देश्य था। तो इसमें 1,00,000 से कम आबादी वाले नगरों के लिए ये योजना है। इसका जो शुरुआत किया गया था वो 2007 से 2008 के बीच में किया गया था। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना, इसका जो उद्देश्य है वो 10,00,000 रुपए तक ऋण उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना जो है वो 10,00,000 रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने की एक रोजगार योजना है, ये 2005 से प्रारंभ की गई। अगला है पंचायत मित्र योजना, उद्देश्य वही पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु इस योजना को शुरुआत किया गया था 2 फरवरी 2006 से। अगला है ग्राम रोजगार सेवक योजना, इसका उद्देश्य नरेगा के सहायक के रूप में एक सेवक को उपलब्ध कराना, एक सेवक का एक तरह से निर्माण करना, तो 2006 से इसका प्रारंभ किया गया था। उसके बाद अगला है बालिका श्री योजना, जो एससी एसटी कास्ट की जो बालिकाएं होती थी उनको एक बीमा कवच, उनके लिए एक बीमा कवच है ये। तो बालिका श्री योजना जो है वो एससी एसटी बालिकाओं के लिए है। तो अगर वर्ष की बात करें तो 2006 से 2007 के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला है स्वधार योजना, स्वधार मतलब एक आधार प्रदान करना महिलाओं को गृह आश्रय व आत्मनिर्भर, तो स्वधार का मतलब गृह आश्रय और आत्मनिर्भर बनाना महिलाओं को, शुरू किया गया था 2001 से 2002 के बीच में। अगला है स्वावलंबन यानी नोराड योजना, ये इसका जो उद्देश्य था वो निर्बल महिलाओं को प्रशिक्षण देना, यानी निर्बल महिलाओं को प्रशिक्षित करना, इस योजना का उद्देश्य था। स्वावलंबन योजना 1996 से इसको स्टार्ट किया गया था। अगला है स्वयं सिद्ध परियोजना, इसका उद्देश्य सहायता समूह गठित कर बचत और ऋण उपलब्ध कराना, जो स्वयं सहायता समूह होते थे जो अपने एक समूह बनाकर गठित होकर वो बचत करते थे और एक दूसरे को ऋण उपलब्ध कराते थे, तो ये योजना संबंधित है स्वयं सिद्ध परियोजना से। इसको जो प्रारंभ किया गया था वो 2002 और 2003 के बीच में प्रारंभ किया गया था। अगला है ग्रीन कार्ड योजना, ग्रीन कार्ड योजना ये परिवार नियोजन से संबंधित, ग्रीन कार्ड जो है होता है वो परिवार नियोजन से संबंधित होता है, तो 1985 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला है जनश्री बीमा योजना, ये बुनकरों हेतु चलाया गया था, मतलब बुनकरों को एक बीमा उपलब्ध कराना, एक बीमा का कवच प्रदान करने के उद्देश्य था, जनश्री बीमा योजना 2003 से इसको शुरू किया गया था। अगला है संपूर्ण स्वच्छता अभियान, इसका जो निर्माण था जो मतलब ये योजना थी ये केंद्र पोषित योजना थी, मतलब केंद्र में इसका पैसा लगा हुआ था, केंद्र के द्वारा इसको पोषित किया जा रहा था, पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, और इसका जो उद्देश्य था वो था शौचालय निर्माण करना। संपूर्ण स्वच्छता अभियान का उद्देश्य था शौचालय निर्माण करना, ये नहीं है कि ग्रामीण में और शहरों में, इसका उद्देश्य सिर्फ था शौचालय निर्माण करना दोनों जगहों पर, ठीक है। और इसका जो शुरू किया गया था वर्ष जो है वो 1999 से 2000 के बीच में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम,
इसको प्रारंभ किया गया था 22 अगस्त 2011 से। जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित ये कार्यक्रम था और उन जननी उन महिलाओं से संबंधित भी कार्यक्रम था, मतलब बच्चा और माँ दोनों के लिए ये सुरक्षा कार्यक्रम था। अगला है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, इसे 21 दिसंबर 2014 से प्रारंभ किया गया था और जो वर्ष मतलब इसका जो उद्देश्य है वो है 14 से 35 वर्ष के लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना। कौशल का मतलब उनको एक प्रशिक्षण, उनको कौशल युक्त बनाना, ठीक है, ताकि वो अपनी रोजगार को खुद भी प्राप्त कर पाएं या किसी जगह जाएं तो उनके पास वो कौशल हो कि वो रोजगार को प्राप्त भी कर पाएं और उनको जल्दी से निकाला भी ना जाए, क्योंकि आज के समय में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग जाते हैं उनके पास कौशल तो होता है, उनके पास उनको रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनके पास कौशल ना होने की वजह से उनको उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का जो उद्देश्य है वो है 14 से 35 वर्ष के लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण बनाना, उनको कौशल युक्त करना। 21 दिसंबर 2014 से इसको शुरू किया गया था। अगला है राज्य पोषण मिशन, उद्देश्य कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाना। पोषण मतलब पोषण युक्त करना, तो किसको करना, जिनके पास पोषण नहीं होगा, यानी जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको पोषण से पोषण युक्त करना, कुपोषण से बचाना। 28 अप्रैल 2015 से इसको प्रारंभ किया गया था। अगला है राज्य स्वास्थ्य मिशन, उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधित, यानी कि जो हेल्थ में प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित ये मिशन है। तो मातृत्व व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, उनके स्वास्थ्य पे अच्छी तरीके से ध्यान देना। तो इसका जो आरंभ किया गया था वो 10 सितंबर 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRPF योजना, इसको 34 जिलों में चालू किया गया है, प्रारंभ किया गया है 2006 से 2007 के बीच में, ये उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में, ठीक है, 2006 से 2007 के बीच में इसको शुरू किया गया था, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, जिसे BRPF योजना भी कहते हैं। अगला है पूर्वांचल विकास निधि योजना, पूर्वांचल विकास निधि योजना, पूर्वांचल के क्षेत्रों से ये संबंधित था, वहां के विकास से संबंधित ये योजना थी। तो इसका जो शुरुआत किया गया था वो 1990 से 1991 के बीच में किया गया था। अगला है बुंदेलखंड विकास निधि योजना, यानी जो मध्य प्रदेश से संबंधित, जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां से संबंधित ये योजना है। तो बुंदेलखंड विकास निधि योजना एक निधि बनाई गई थी वहां के विकास के लिए, तो इसे 1998 से 1999 के बीच में प्रारंभ किया गया था। अगला है सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि, यानी सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनके विकास से संबंधित एक निधि बनाई गई थी, तो ये जो योजना है इसको प्रारंभ किया गया था 1998 से 1999 के बीच में। तो ये थी उत्तर प्रदेश से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं या परियोजनाएं। आई होप एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा, एग्जाम में आप चीजों को अच्छी तरीके से कवर अप कर पाएंगे और को एक बार वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा तो चीजें आपके माइंड में आ जाएंगी। और वर्ड्स को तो आपको याद करना पड़ेगा या फिर आपके पास कोई तरीका हो तो आप उसको सेट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके और फ्रेंड्स को कुछ हेल्प मिल पाए। आई होप वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।